गुड आफ्टरनून। आज हम देखेंगे केमिस्ट्री का एक नया चैप्टर, दैट इज फ्यूल्स। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए। तो इसमें देखेंगे कि क्या है फ्यूल, क्या क्या टाइप्स होते हैं इसके, और किस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं फ्यूल्स चैप्टर से। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ही इसको देखेंगे। ठीक है, सो देखिए, सबसे पहली चीज़ हमें ये समझनी पड़ेगी कि फ्यूल के लिए समझने से पहले जो कहानी है वो है हीट। सबसे पहली चीज़ हीट। ठीक है, हीट जो है यही इम्पोर्टेंट है। हीट ही हमें, हीट एनर्जी कहें इसको, हीट एनर्जी, ठीक है, यही मेन चीज़ है किसी भी चीज़ को वर्केबल बनाने के लिए, काम लायक बनाने के लिए, या उससे काम लेने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो सोर्स है वो है हीट एनर्जी। हम हीट का इस्तेमाल करके बहुत सारे काम करते हैं। जैसे जो सबसे सबसे बेहतरीन मशीन हमारे सामने है वो है ह्यूमन, वो है मनुष्य खुद, हम और आप खुद, ह्यूमन एज अ मशीन, एज अ मशीन। ये भी एक मशीन की तरह काम करती है। आप सोचते हैं, आप लेबर करते हैं, आप बहुत कुछ काम करते हैं, और एक मशीन की तरह बहुत इंटेलिजेंट होता है ह्यूमन। ठीक है, ये दिमाग बहुत लगाता है, किसी भी काम को नए नए तरीके से करके उसको आसान बनाता है। तो बिल्कुल ये मशीन की तरह काम करता है, और ये सारे काम करने के लिए ये जो इस्तेमाल करता है, ये जो इस्तेमाल करता है वो क्या होता है, फूड, भोजन। हम भोजन करते हैं ना एनर्जी के लिए, और ये भोजन ही किस में कन्वर्ट हो जाता है बाद में, हीट एनर्जी में। ये भोजन हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है, हीट हमें मिलता है, और ये हीट हम यूज करते हैं टू डू वर्क। ठीक है ना, तो ये मनुष्य की बात हुई, जब मनुष्य एक मशीन की तरह है। ऐसे ही जितनी भी हमारी मैकेनिकल मशीन्स हैं, मैकेनिकल मशीन्स हैं, उनको भी जरूरत पड़ेगी, जब वो काम करेंगी, वर्क करेंगी, तो उनको भी जरूरत पड़ेगी किसी फूड जैसी चीज की। और जो ये हीट प्रोड्यूस होता है ह्यूमन बॉडी में, यही एज अ फ्यूल काम करता है मनुष्यों के लिए। फ्यूल की तरह कौन काम कर रहा है, भोजन, जो हमें हीट दे रहा है। ऐसे ही मैकेनिकल मशीन्स के लिए हमें फ्यूल की जरूरत होती है, हमें फ्यूल की जरूरत होती है, और उस फ्यूल से हीट लिबरेट होती है, हीट निकलती है, और उस हीट से हम वर्क करते हैं। ठीक है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर आप अभी देखें तो उसका एग्जाम्पल जो सबसे अच्छा है, ऑटोमोबाइल, ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। आप मोटर व्हीकल्स यूज करते हैं, मोटर व्हीकल्स में फ्यूल यूज होता है, और उस फ्यूल से हीट एनर्जी जनरेट होती है, उस हीट एनर्जी से वर्क होता है। ठीक है, अब वो कैसे होता है, ये फ्यूल चैप्टर का पार्ट नहीं है, ये आपके ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का पार्ट है। ठीक है, वो ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, थ्योरी ऑफ मशीन में पढ़ेंगे। तो बेसिक क्या है कि फ्यूल से बनेगा, फ्यूल से हीट बनेगी, हीट से वर्क कैसे लिया जाता है ये पार्ट इसका नहीं है। ठीक है, हमें ये पार्ट करना है कि फ्यूल से हीट कैसे आती है, ये वाला पार्ट इस चैप्टर का है। ठीक है, तो ये समझने वाली बात है कि हर जगह हमें फ्यूल ज़रूरी है, और हीट इज़ द अल्टीमेट सोर्स फॉर एवरी वर्क। अगर थोड़ा आप दिमाग लगाएंगे और थोड़ा डीप में जाके समझेंगे चीज़ों को, तो आपको ये बात पता चलेगी कि हीट एनर्जी जो है वही सब कुछ है, हीट एनर्जी ही सब कुछ है। अब ये किसी में आपको कहीं कहीं ये डायरेक्ट फॉर्म में, जैसे ऑटोमोबाइल की बात करें तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि हमने फ्यूल बर्न किया और हीट एनर्जी मिल गई, कई जगह आपको महसूस नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल रेन, बरसात, ये भी एक तरह का काम है। तो आप कहेंगे सर बरसात कैसे हीट एनर्जी, क्या मतलब है? अरे है बिल्कुल भाई, बरसात कब होगी, जब सोलर एनर्जी से सोलर हीट किस पे पड़ेगी, वाटर, एंड देन इवापोरेशन,
इवापरेशन और क्लाउड एंड देन रेन। तो आप देखिए कितनी खूबसूरत चीज़ है। मतलब आप देखिए, अब आप कहेंगे यहाँ फ्यूल नहीं है, हम हीट की बात कर रहे हैं। हीट इज़ वेरी मच एसेंशियल, हर जगह हीट ही काम करती है। हीट ही अल्टीमेट चीज़ है जो वर्क कराएगी, किसी चीज़ को वर्केबल बनाएगी, वर्केबल काम करने योग्य बनाएगी, तो वो हीट ही है। तो सोलर से पानी, जो नदियों तालाबों और समुंदरों में जो पानी होता है उसके ऊपर सोलर एनर्जी से हीट होकर वाष्पीकरण होता है, और जो हवा तक बहती है वो भी सोलर, अगर सन न रहे। सन इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, ये ध्यान रखिएगा। कोई भी सोर्स जो भी आप देख रहे हैं सब सूर्य से ही है। अगर सूर्य को हटा दिया जाए तो न हवा चलेगी, न पानी बहेगा, न सांस ले पाएंगे आप, कुछ भी नहीं होगा। हवा के बहने का कारण सूरज है। अब ये सोचिएगा क्यों है, वो आपकी दिक्कत है, हैं, कभी नहीं होगा तो डिस्कस करेंगे। सो सोलर हीट से वाटर, वाटर से इवापरेशन, बात समझ में आ रही है, और इवापरेशन वही रेन बन के आएगा, ठीक है। तो रेन जो है वो सोलर हीट से वाटर इवापरेट होता है, इसीलिए होता है। तो मेन चीज़ क्या है हमारा, कि हीट इज़ द एसेंशियल थिंग टू प्रोड्यूस वर्क, ठीक है ना। हीट ही चाहिए हमें, और आप देखते हैं कि हम हीट से बहुत सारे काम कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हीट जो है वही सबसे ज़रूरी है, और हीट को प्रोड्यूस करने के लिए नॉर्मली हमारा क्या यूज़ होगा, फ्यूल, ठीक है ना। फ्यूल यूज़ होगा हीट को प्रोड्यूस करने के लिए किसी भी मशीन में। तो फ्यूल, किसी भी तरीके से फ्यूल को हम बर्न कराएंगे, ठीक है, या कंबस्चन कहते हैं उसको, वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और एक प्रोडक्ट बनेगा कुछ भी, ठीक है, प्रोडक्ट कुछ बनेगा, और प्लस हीट एनर्जी रिलीज होगी जो हम वर्क में लेंगे, ठीक है। यही प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस यही होता है, केमिस्ट्री का पार्ट है, केमिकल प्रोसेस यही होता है। तो इसमें देखने वाली बात यह है कि इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन फ्यूल बर्न करेगा, ठीक है। तो एज एन इंजीनियर और पढ़े लिखे आदमी होने के कारण आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि हम बार बार कहा जाता है कि फ्यूल कम से कम बर्न कराइए, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है, ये ख़त्म होता जाएगा समय के साथ। दूसरी क्या चीज़ है, पॉल्यूशन फैलाता है। हम कहते हैं इस प्रोडक्ट में कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, बहुत सारी चीज़ें, हाइड्रोकार्बन्स, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो पॉल्यूशन फैलाती हैं, ठीक है ना, इसके स्मोक में। वो चीज़ें नुकसान करती हैं, वो ऑक्सीजन के कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर में ही आएंगी। तो भाई एटमॉस्फेयर में, एक आपने पहले पढ़ा होगा, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन कितनी मात्रा में है, नाइट्रोजन कितनी मात्रा में है, अदर गैसेस कितनी मात्रा में, तो ये क्या करेगा फ्यूल, जो ये प्रोडक्ट आएगा, अगर इसकी सारी चीज़ें एटमॉस्फेयर में, जो आजकल हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, दिल्ली एनसीआर की बात करें, ऐसी जगहों पे जो बड़ी सिटीज़ हैं वहाँ पे पोल्यूशन इतना ज़्यादा हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, क्योंकि ये प्रोडक्ट जाके एयर की जो कंपोजिशन है, कितना परसेंट ऑक्सीजन कितना, अब उसमें जब दूसरी चीज़ आएगी तो उसका परसेंटेज ऑक्सीजन का कम कर देगा, समझ में आ रहा है, ये कम करेगा। दूसरी चीज़ यहाँ से देखिए कि ऑक्सीजन यूटिलाइज भी होता है, ये बहुत बड़ी बात है, ये ध्यान रखिएगा। जब हम कंबस्चन कराते हैं फ्यूल का किसी भी मशीन में कहीं भी, तो क्या होता है, ऑक्सीजन वहाँ यूटिलाइज होता है, ऑक्सीजन यूटिलाइज हो रहा है, ये ध्यान रखिएगा। ऑक्सीजन का यूटिलाइजेशन मतलब ऑक्सीजन यहाँ भी खर्च हो रहा है और यहाँ भी उसके कंसंट्रेशन को कम कर रहा है, डबल मार पड़ती है भाई साहब। तो इसलिए कम से कम फ्यूल को यूज़ करना, एंड दैट्स वाई आप जैसे जैसे जाएंगे तो धीरे धीरे अब आप देख रहे हैं कि रिसर्च हो रही है सोलर पावर में, जहाँ फ्यूल ना बर्न कराना पड़े, डायरेक्टली हमको हीट एनर्जी मिल जाए, है ना, सोलर द बेस्ट फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी। सो इसको धीरे धीरे कम करने की तरकीब रोज खोजी जा रही है, इंजन की एफिशिएंसी बढ़ाई जा रही है कि वो कम फ्यूल में ही ज़्यादा से ज़्यादा माइलेज दे दे, सब चीज़ें हो रही है, ठीक है। और इसी कारण फ्यूल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको बड़े ध्यान से देखिएगा, जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से भी और रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से भी, ठीक है ना। आप अगर ये चैप्टर आपके दिमाग में अच्छी तरह से बैठता है तो बड़ी बड़ी ऑयल कंपनीज हैं आपके जॉब के लिए, IOCL, HPCL, BPCL, ये सब कंपनीज हैं जिसमें R&D सेंटर होता है। अगर आपको फ्यूल के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज है तो आप उसमें भी जा सकते हैं, उसमें भी आपका रिक्रूटमेंट हो सकता है,
नॉर्मल रिक्रूटमेंट में अगर आप इंटरव्यू में इनके बारे में ज़्यादा जानकारी रखते हैं तो वो आपको इसके R&D सेंटर में भेज देंगे ऑयल कंपनीज के, बहुत अच्छी जॉब होती है। तो इसलिए भी इस चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ना ध्यान से ज़रूरी है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा काम होता है फ्यूल पे, बहुत ज़्यादा R&D होती है, ठीक है। अब बेसिक चीज़ आती है आपसे कि आपसे कोई पूछे भाई, जो हमारा ये तो बात हो गई क्या है ये चैप्टर और कैसे क्या है इसमें सारी चीज़ें, बट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बातें भी ज़रूरी है ना। तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, एग्ज़ाम में आपसे भाई डेफिनेशन पूछेगा सबसे पहली चीज़। तो फ्यूल की डेफिनेशन देखिए, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी डेफिनेशन है, तो 2-3 डेफिनेशन देख लीजिए और उसमें से जो भी आपको अच्छी लगे या अपनी तरफ से भी आप कुछ बनाना चाहें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो पहली डेफिनेशन, इट इज, डेफिनेशन बता रहे हैं, इट इज़ अ कंबस्टिबल जलने योग्य, कंबस्टिबल सब्सटेंस विच ड्यूरिंग कंबस्शन गिव्स हीट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक है ना। मतलब डोमेस्टिक पर्पस के लिए, इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस, कोई कंबस्टिबल जलने योग्य, कंबस्टिबल मतलब जलने योग्य सब्सटेंस, कोई चीज विच ड्यूरिंग कंबस्शन के दौरान, जब वो जलेगा, कंबस्शन को जलन जलना भी कहते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, गिव हीट फॉर डोमेस्टिक, इसी को दूसरे तरीके से लिखेंगे। और दूसरी डेफिनेशन, इट इज अ कंबस्टिबल सब्सटेंस विच गोइंग ऑन कंबस्शन इन प्रेजेंस ऑफ एयर या इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक एयर, जो बाहर एटमोस्फेयर में है वही, कोई स्पेशल एयर नहीं देनी, इन प्रेजेंस ऑफ एटमोस्फेरिक एयर प्रोड्यूसेस हीट फॉर डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल पर्पस, ठीक। ये दो डेफिनेशन हो गई। एक आजकल मॉडर्न डेफिनेशन टेक्निकली और एक बनाई जाती है, ठीक है, और एक और डेफिनेशन बनाई जाती है इट इज अ केमिकल सब्सटेंस विच कैन बी यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी बाय सम सुटेबल डिवाइस, ठीक है ना, बाय सम सुटेबल डिवाइस। तो ये एक मॉडर्न डेफिनेशन है कि ये कि कोई केमिकल सब्सटेंस होता है जो यूज कर सकते हैं हम सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह से, बाय सम सुटेबल डिवाइस, इसको सोर्स ऑफ एनर्जी की तरह यूज करेंगे, किसी सुटेबल डिवाइस से इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। अब सुटेबल डिवाइस की बात करें कि सर ये क्यों, डिवाइस मतलब कई सारी चीज़ें होती हैं, जैसे एक अगर आप ऑटोमोबाइल इंजन की बात करें, जो 2-stroke 4-stroke पेट्रोल इंजन डीजल इंजन सब हैं, तो एक इंजन क्या है, इंजन एक डिवाइस है जो क्या करता है, फ्यूल को बर्न करा के मैकेनिकल एनर्जी प्रोड्यूस करता है, ठीक है ना। तो उसकी डेफिनेशन, मॉडर्न डेफिनेशन की बात हो रही है, क्योंकि हम मैकेनिकल के लिए ये सारी चीज़ें देख रहे हैं इसलिए हम बात कर रहे हैं मैकेनिकल या सिविल, ठीक है, या इंजीनियरिंग के लिए, जो भी, हर जगह यही होता है,
ठीक है। तो ये तीन डेफिनेशन आपको जो भी अच्छी लगे, या आप अपने तरफ से भी इसको कुछ बना सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको रखना चाहते हैं, तीनों में से कोई भी जो आपको अच्छी लगे आप अपने हिसाब से डेफिनेशन एग्जाम के लिए याद कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई डेफिनेशन की कि फ्यूल क्या होता है। ठीक है, और नेक्स्ट चीज जो होती है इसमें, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है, छोटा सा क्वेश्चन आता है शॉर्ट, और उसमें पूछा जाता है कि व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूल, रोल ऑफ फ्यूल इन द रोल ऑफ फ्यूल इन द हाँ रोल ऑफ फ्यूल इन डेली लाइफ। ठीक, तो आपसे वो पूछ सकता है, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। टॉपिक से लगता है ऐसा बहुत हल्का लगता है, बट कई बार एग्जाम में ये पूछा जाता है, ये आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है, ये क्वेश्चन जो है आपकी थिंकिंग एबिलिटी को चेक करना चाह रहा है कि आप फ्यूल के बारे में कितना जानते हैं। ठीक है, ये वो जानना चाह रहा है एग्जामिनर, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो और कुछ बड़ी चीज़ नहीं है ये, ऐसा कुछ भी नहीं है, इसका आंसर आप अपने कॉमन सेंस से दे सकते हैं। थोड़ा बहुत भी अगर आपको फ्यूल के बारे में पता है, भाई आपने गाड़ियाँ चलते हुए देखी हैं, ईंधन जलते हुए देखा है, तो आप इसका बता सकते हैं कि रोल क्या हो सकता है। रोल का मतलब कहाँ कहाँ हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ और जो डेफिनेशन में एक बात हम बताना भूल गए थे डेफिनेशन में, कि फ्यूल जो है, फ्यूल हम उसी को कहेंगे, कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस नहीं, उसमें ध्यान रखिएगा जो लिखा हुआ है कि विच कैन बी यूज फॉर इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक पर्पज, मतलब किसी पर्पज से अगर फ्यूल बर्न हो रहा है, किसी पर्पज से कोई कंबस्टिबल सब्सटेंस बर्न हो रहा है तो उसको हम फ्यूल कहेंगे। ठीक है ना, कोई भी चीज़ जल रही हो और हीट भी प्रोड्यूस हो रही हो तो ज़रूरी नहीं कि वो फ्यूल हो। हाँ, अब जंगल है, जंगल में किसी और कारण से आग लग गई, पूरा जंगल धुआं धुआं होके जल रहा है, खूब बहुत हीट प्रोड्यूस हो रही है, बट इट कैन बी यूज फॉर एनी पर्पज, वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो हम उस समय जंगल को फ्यूल नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान रखिएगा, कोई चीज़ अगर जलती है उसका हम यूज़ करते हैं किसी काम के लिए, किसी चीज़ के लिए, तो ही हम उसे फ्यूल कहेंगे। ध्यान रखिएगा, फ्यूल की डेफिनेशन में ये बात बहुत मायने रखती है। ठीक है, कई बार इंटरव्यू में आपसे ये सवाल पूछे जाते हैं कि कोई चीज़ अगर ऐसे ही जल रही है, उससे हमने कोई वर्क नहीं लिया, तो क्या हम उसको फ्यूल कहेंगे? नहीं, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो ये डेफिनेशन की बात थी। अच्छा, रोल की बात जो कर रहे हैं, रोल सिंपल, जो जो रोल आपने अपनी आंखों के सामने देखे हैं, मैं देखिए मैं अभी लिखा देता, बट आपको थिंकिंग एबिलिटी डेवलप कर रहा हूँ कि जब एग्जाम में आएगा तो आपको याद नहीं करना है ये आंसर, इसका आंसर आपको याद नहीं करना है, आपको खुद अपनी थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करनी है। आप आसानी से अपने दिमाग से आप खुद सोचिए कि भाई फ्यूल कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, घर से चलिए इंडस्ट्री तक जाइए, सब कुछ सोचिए। तो सबसे जो बेसिक चीज़ है, अभी हमने एग्जाम्पल भी दिया था कि ह्यूमन को भोजन चाहिए, ठीक है ना, तो फूड के लिए तो पहला क्या है, डोमेस्टिक कुकिंग, डोमेस्टिक कुकिंग है ना। इसके बारे में आप एक दो लाइन लिख भी सकते हैं, छोड़ भी देंगे, नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉइंट पे आंसर देना अच्छी बात होती है, जरूरी नहीं है कि इसके बारे में डिटेल करें, कर भी देना भी। डोमेस्टिक कुकिंग, घर में खाना बनाने के लिए फ्यूल का इस्तेमाल होता है, ये रोल है। और क्या होता है आपका, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन, ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन, भाई एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन में हम फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमोबाइल में, गाड़ियों में, है ना। और फ्यूल का इस्तेमाल क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, भाई बिजली जो आपकी बन रही है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, ध्यान रखिएगा। अब आप कई लोग को दिमाग में आएगा कि बिजली तो पानी से भी बनती है, हैं, विंड मिल्स है, हवा से भी बन रही है कई जगह बिजलियाँ, और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स भी हैं, बट आप ध्यान रखिएगा, ऑलमोस्ट अराउंड 65% जो है फ्रॉम फ्यूल, और फ्यूल कौन सा, कोयला, NTPC जो थर्मल पावर प्लांट है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस फ्यूल से ही होती है, तो ध्यान रखिएगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में यूज़ होता है। और कहाँ आप यूज़ कर सकते हैं फ्यूल का, हाँ याद कीजिए, घरों की अगर बात करें तो और कहाँ हो सकता है, हीटिंग,
भाई गर्मी ठंड जाड़ों के सीज़न में, ठंडी में जब शुरू हो चुकी है तो जाड़ों के सीज़न में आप हीटिंग पर्पस, हीटिंग ऑफ हाउस ठीक है, और फ्यूल का इस्तेमाल कहाँ कर सकते हैं, हीटिंग ऑफ हाउस, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन, दिमाग में खोजना है और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हैं और कहाँ इस्तेमाल करते हैं, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। चलिए मेनली बेसिकली यही, अगर आपको नहीं आता इतना ही कर दीजिए। और आप कह सकते हैं स्पेस एक्सप्लोरेशन। अच्छा अब सिंपल सी बात है कि भाई हम कहें ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन ही एक तरह का स्पेस एक्सप्लोरेशन है, वो भी ट्रांसपोर्टेशन है, नहीं ध्यान रखिएगा, नॉर्मल ऑटोमोबाइल ट्रांसपोर्टेशन और स्पेस एक्सप्लोरेशन को अलग करने का कारण यह है कि दोनों में फ्यूल का जो फ्यूल है वो बिल्कुल अलग अलग है। यहाँ पेट्रोल डीजल सिंपल ऑटोमोबाइल फ्यूल्स जो आपके पेट्रोलियम होते हैं वो यूज़ किए जाते हैं, स्पेस एक्सप्लोरेशन में बहुत ही अलग होता है, वहाँ पेट्रोल डीजल से गाड़ी नहीं चलने वाली स्पेस की, ठीक है ना। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में जो एक्सप्लोरेंट्स यूज़ किए जाते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं, कई जगह हाइड्रोजन यूज़ किया जाता है बड़े बड़े रॉकेट्स में, और बहुत सारे रॉकेट प्रोपेलेंट्स हैं, बहुत सारे प्रोपेलेंट। तो स्पेस एक्सप्लोरेशन में एज अ प्रोपेलेंट यूज होता है, ठीक है ना। तो ये सारे डिफरेंट रोल्स हैं फ्यूल के, ये कई बार आपसे एग्जाम में आ जाता है, अब वो ये जानना चाहता है कि आप फ्यूल के बारे में कितना जानते हैं, कितना आपका एक्सपोजर है, वो ये जानना चाह रहा है, ठीक है। छोटा सा ही क्वेश्चन है बट दिमाग में होना चाहिए, एक बार पॉइंट आउट होना चाहिए, तो जिससे कि एग्जाम में अगर इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ये बिना पढ़े आपने एक बार समझ लिया, एग्जाम में आप ऐसे ही जाके लिख देंगे, है ना, खुद दिमाग लगाएंगे सारे पॉइंट्स याद आ जाएंगे, कुछ ऐसा नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये एक टॉपिक हो गया, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं कि अगर हम फ्यूल की बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन और आता है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम पूछा जाता है कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड फ्यूल, कोई फ्यूल अच्छा फ्यूल कब कहा जाएगा, ठीक है। तो ये भी आप कॉमन सेंस से बताइए, अपने दिमाग को दौड़ाइए, देखिए कि कैसे क्या चीज़ें आपको चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट, अगर आप ही हैं और आप अगर एक फ्यूल लेने जा रहे हैं तो आपको क्या क्या नॉर्मल, कुछ तो आप नॉर्मल होंगे, कुछ टेक्निकल पॉइंट्स हम बताएंगे, कुछ नॉर्मल पॉइंट्स होंगे। सबसे पहली चीज़ कि हम फ्यूल को इस्तेमाल किस लिए कर रहे हैं, हीट के लिए। तो एक टॉपिक अभी बाद में उसका टेक्निकल टर्म आएगा, बट हीट liberation should more, ठीक है। तो ये अभी इसलिए बता रहे हैं कि वो टेक्निकल टर्म हमने बोला नहीं, वरना उसको बोला जाता है should have high calorific value, ये बोला जाता है। मतलब हीट ज़्यादा निकले, ये तो हमें नॉर्मल पता है कि भाई जितना ज़्यादा उससे हीट निकलेगी उस फ्यूल से उतना वो अच्छा फ्यूल माना जाएगा, और हीट कब ज़्यादा नहीं, जब उसकी कैलोरीफिक वैल्यू ज़्यादा होगी। तो जब आप एग्ज़ाम में लिखेंगे तो अब आप ये नहीं लिखेंगे, तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा, आप सीधे यही लिखेंगे क्योंकि एग्ज़ाम में आपको पता चल चुका होगा कि ये क्या चीज़ है, अभी हम डिस्कस करेंगे इसको बाद में कैलोरीफिक वैल्यू। तो एग्ज़ाम में आप सीधे ये लिखेंगे शुड हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, जितना ज़्यादा हाई कैलोरीफिक वैल्यू होगी उतना ज़्यादा हीट उससे निकलेगी। तो ज़्यादा हीट निकले और क्या हो सकता है, सोचिए गुड फ्यूल में, हाँ भाई लो इग्निशन टेम्परेचर, है ना, लो इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन का मतलब इग्नाइट करना, उसको स्टार्ट करना, जलाना। अब जैसे आप घरों में यूज़ करते हैं LPG गैस सिलेंडर, चूल्हे में आपने लाइटर से हल्का से बहुत ही एक छोटी सी चिंगारी निकलती है, वो गैस बर्न स्टार्ट हो जाती है, ठीक है ना, और रेगुलेटर से आप उसकी स्पीड और फ्लेम को कम अधिक करते हैं। तो अगर ये इग्निशन टेम्परेचर ही बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इग्निशन टेम्परेचर मीन्स द टेम्परेचर एट विच फ्यूल स्टार्ट बर्निंग। इग्निशन टेम्परेचर कौन सा टेम्परेचर होता है, ये वो टेम्परेचर होता है जिन इस टेम्परेचर पे अगर आपने हीट कर दिया उस फ्यूल को तो फ्यूल जलने लगेगा, ठीक है ना, उसका कम्बशन स्टार्ट हो जाएगा।
इसके पहले वो रिएक्ट नहीं करता। तो अगर ये इग्निशन टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हो गया, पता चला कि आप माचिस भी जला रहे हैं, मशाल पूरी जला दी, आग लगा दी नीचे और आपका मटेरियल बर्निंग शुरू ही नहीं हुआ, तो भाई ऐसा फ्यूल क्या करेंगे आप, है ना। तो लो इग्निशन टेम्परेचर होना चाहिए, जल्दी जलने वाला, ठीक है ना। अब जल तो गया, तो एक बहुत अच्छा टेक्निकल टर्म ये बता रहा हूँ, कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड, कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड। अब ये कंबशन शुड बी कंट्रोल्ड का क्या मतलब है, ये ध्यान देने वाली बात है। कंट्रोल का मतलब जो भी कंबशन हो रहा है वो आपके कंट्रोल में हो। जैसे आप गैस को जब जलाते हैं, लाइटर से आपने बर्न कराया तो आपने रेगुलेटर कम अधिक किया, ठीक है ना। तो रेगुलेटर से आप कभी भी फ्लेम बढ़ा सकते हैं, कभी भी कम कर सकते हैं, कंबशन आपके कंट्रोल में है, सब जगह ऐसा नहीं होता। और ये जो कंट्रोलिंग होती है, कंट्रोलिंग इज ईजियर इन लिक्विड एंड गैसियस फ्यूल। जो लिक्विड और गैसियस फ्यूल होते हैं उसमें कंट्रोलिंग आसान होती है। सॉलिड फ्यूल में, भाई सॉलिड फ्यूल आपने लकड़ी जलाई, तो अब लकड़ी में जब आप एक बार आग लगा देंगे, उसका इग्निशन टेम्परेचर पहुंच गया, तो अब आप कंट्रोल नहीं कर सकते बीच में कि लकड़ी में कम धीमा कर दे, लकड़ियां हटाएंगे तो एक्यूरेसी नहीं होगी। कंट्रोल तो होगा, आपने लकड़ी का एक लकड़ी का गुटका हटा दिया तो आग थोड़ी कम हो जाएगी, बट कंट्रोल नहीं है वो, एग्जैक्ट आप कंट्रोलिंग नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो बट अच्छा फ्यूल होना चाहिए जिसका हम कंट्रोलिंग आसान हो, सॉलिड की कंट्रोलिंग बहुत मुश्किल होती है, ठीक है ना। तो और सोचिए क्या हो सकता है एक गुड फ्यूल के लिए, इजीली अवेलेबल। भाई इजीली अवेलेबल, आपने सुना होगा कि इंडिया में यूरेनियम नहीं होता है। यूरेनियम एक न्यूक्लियर फ्यूल है जो न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूज़ होता है, तो यूरेनियम इंडिया में होता ही नहीं है। तो भाई हमारे लिए तो बेकार हो गया, जब हमारे यहाँ हो ही नहीं रहा तो हम कहाँ से लाएंगे उसको, अब खरीद के दूसरी जगह से लाओ फिर यूज़ करो, कितना महंगा पड़ रहा है ना। तो ईजिली अवेलेबल होना चाहिए, यूरेनियम है ही नहीं अवेलेबल, तो ऐसा भी फ्यूल ना हो कि वो अवेलेबल ही ना हो, आसानी से मिले, हर जगह मिले, तो हमारे लिए ज़्यादा अच्छा है ना। इसीलिए पहले जो सबसे पहला जो फ्यूल यूज़ हुआ वो लकड़ी था, वुड। भाई लकड़ी हर जगह पेड़ों से मिल जाती थी लोगों को, सबसे इजीली अवेलेबल था, बट और सारी प्रॉब्लम थी, इसलिए और सारे फ्यूल बाद में खोजे गए, है ना। और क्या हो सकता है सोचिए, बहुत सारे पॉइंट हैं गुड फ्यूल के लिए, है। पॉल्यूशन का भी तो एक रीज़न होना चाहिए भाई, पॉल्यूशन भी तो कम करना चाहिए। तो स्मोक शुड बी लेस, नहीं मिनिमम। स्मोक जो है वो कम से कम, स्मोक मतलब धुआं, और धुआं जितना ज़्यादा निकल रहा है इसका मतलब कि उसकी बर्निंग अच्छी नहीं हो रही है, वो इतना अच्छा कम्बस्टिबल सब्सटेंस नहीं है, ठीक है ना। तो धुआं ज़्यादा निकलेगा, तो धुआं ज़्यादा नहीं निकलना चाहिए क्योंकि उससे पॉल्यूशन फैलेगा, है ना, बहुत ज़्यादा दिक्कत करेगा, ठीक है। और क्या हो सकता है सोचिए, है। स्मोक शुड बी मिनिमम, और मिनिमम रेसिडुअल प्रोडक्ट, कम से कम रेसिडुअल प्रोडक्ट बचे, मतलब जलाने के बाद जैसे आप लकड़ी जलाते हैं तो बाद में राख इतनी बच जाती है, और वही आप देखें लिक्विड फ्यूल्स या गैसियस फ्यूल में, जो आप गैस यूज़ करते हैं घरों में, पहले जब लोग खाना बनाते थे लकड़ी पे, खाना बनाते थे कोयले पे, तो बाद में चूल्हे में क्या रहता था, राख बच जाती थी, फिर उस राख को उठा के हटाते थे, फेंकते थे तो बाहर ले जाके। लिक्विड फ्यूल्स और गैसेस फ्यूल के साथ ये सब प्रॉब्लम्स नहीं है, ठीक है ना, उसमें रेसिडुअल कुछ नहीं मिलता है ना, बहुत कम आता है, तो ये सब टेंशन नहीं रहती है। तो अच्छे फ्यूल के लिए ये भी एक क्राइटेरिया है। और क्या हो सकता है, हैजार्डस गैसेस नहीं निकलनी चाहिए, हैजार्डस स्मोक शुड नॉट बी देयर, शुड नॉट बी देयर, है ना।
ऐसे फ्यूल हमको नहीं यूज़ करने चाहिए जिसमें सल्फर की मात्रा ज़्यादा हो, सल्फर डाइऑक्साइड निकालेगा, है ना, हैजार्डस जहरीली गैसें ना निकलें, ठीक है ना, ऐसा फ्यूल नहीं होना चाहिए। और भी बहुत सारे पॉइंट हो सकते हैं, आप देखते जाइए, है ना। इट शुड बी चीपर, भाई सस्ता भी तो होना चाहिए। अब है तो बहुत अच्छा फ्यूल यूरेनियम, बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है, बट इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम यूरेनियम हर जगह यूज़ करने लगे, क्योंकि महंगा बहुत ज़्यादा है, सो मच कॉस्टली, इतना कॉस्टली कि मतलब आम आदमी के तो बस के बाहर की बात है। तो चीपर होना चाहिए कि आम आदमी भी उसको बियर कर सके, वही अच्छा फ्यूल माना जाएगा। तो ये सारे पॉइंट्स, और ये कोई ऐसे बहुत बड़े पॉइंट्स नहीं है जो आपको याद करने पड़ेंगे, आप अपने कॉमन सेंस से भी चीज़ें लिख सकते हैं, ठीक है ना, और कॉमन सेंस से ही आपको ये सारी चीज़ें बतानी हैं आगे। बात समझ में आ रही है? कॉमन सेंस से ही आपको ये सारी चीज़ें बतानी है, ठीक है। चलिए, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट देखते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल। तो देखिए, क्लासिफिकेशन में कई तरीके होते हैं, देखिए क्लासिफिकेशन का भी कई तरीका है। तो जो उसमें पहला हमारा तरीका है वो है क्लासिफिकेशन का अकॉर्डिंग टू द फिजिकल, अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, ठीक। फिजिकल स्टेट के आधार पर अगर विभाजन करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अकॉर्डिंग टू द फिजिकल स्टेट ऑफ फ्यूल, तो जो क्लासिफिकेशन होता है उसमें क्या क्या होता है? पहला सॉलिड, सिंपल फिजिकल स्टेट क्या होती है? सॉलिड, लिक्विड, गैस, मैटर का, सॉलिड फ्यूल्स। सेकेंड लिक्विड फ्यूल्स, है ना, लिक्विड फ्यूल। थर्ड वन इज गैसियस फ्यूल। देखिए, अगर आपको एग्जाम में आ जाता है कि क्लासिफिकेशन ऑफ फ्यूल बताइए, तो आप ये भी बताएंगे और एग्जाम्पल देना ज़रूरी है, ठीक है ना। तो सॉलिड में वुड आ गया, कोल है, एक्सेप्ट्रा लिख दीजिए, ज़्यादा नहीं है, एक दो दो एग्जाम्पल देते जाइए। लिक्विड फ्यूल में, लिक्विड फ्यूल में पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है ना, एक्सेप्ट्रा। गैसियस फ्यूल में जो आपको पता है, LPG, CNG, है ना, एक्सेप्ट्रा कर दीजिए। तो ये जो क्लासिफिकेशन था फिजिकल स्टेट के आधार पे था, ठीक है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। एक और क्लासिफिकेशन इसमें दिया जाता है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है ना। सेकेंड जो है बी, अकॉर्डिंग टू द सोर्स ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ठीक है ना, सोर्स ऑफ प्रोडक्शन फ्यूल। तो इसके आधार पे दो क्लासिफिकेशन होते हैं, पहला नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल, ठीक है, नेचुरल और प्राइमरी फ्यूल। नेचुरल मीन्स द फ्यूल विच इज टेकन डायरेक्टली फ्रॉम नेचर, ठीक है ना, जो फ्यूल डायरेक्टली नेचर से हमें मिलते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में अब देखिए, डायरेक्टली नेचर से भी इसमें तीन पार्ट हैं, डायरेक्टली नेचर से भी इसमें तीन पार्ट होंगे। वन इज सॉलिड नेचुरल फ्यूल्स, सॉलिड नेचुरल फ्यूल, ठीक है, लिक्विड नेचुरल फ्यूल, है ना, तीसरा गैसियस नेचुरल फ्यूल, ठीक।
अब इसमें एग्जाम्पल देख लीजिए, ध्यान से देखना है। पहले वाले में तो जो हमने अकॉर्डिंग टू उसका स्टेट के आधार पर फिजिकल स्टेट किया था, तो उसमें तो सारे आपने ब्रॉड कर लिए थे, ठीक है। यहाँ आपको ध्यान देना है कौन सा नेचुरल है। तो अब देखिए, सॉलिड में नेचुरल में आपका आ जाएगा वुड, ठीक, वुड आ जाएगा, कोल आ जाएगा, ये सब क्या है डायरेक्टली आपको मिलते हैं नेचर से। आप लकड़ी डायरेक्टली लिया और सीधे जला दिया, कोई उसमें बीच में कोई हमने उसमें चेंजेस नहीं किए, ठीक है ना। लिक्विड नेचुरल फ्यूल, लिक्विड में नेचुरल कौन सा होगा, नेचुरल लिक्विड फ्यूल पेट्रोल, कौन सा होगा लिक्विड नेचुरल, जो फ्यूल आप लिक्विड में नेचुरली यूज कर रहे हैं, क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल, ध्यान रखिएगा डायरेक्टली क्रूड ऑयल को भी जलाया जा सकता है, ठीक है। क्रूड ऑयल जिससे पेट्रोल निकलता है, या पेट्रोलियम ऑयल, पेट्रोलियम ऑयल सिंपल जिससे हम डायरेक्टली यूज करते हैं, मतलब बिना किसी उससे, पेट्रोल डीजल इसमें नहीं आएगा नेचुरल लिक्विड में, ध्यान रखिएगा, क्योंकि पेट्रोल को हम बनाते हैं, हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करते हैं रिफाइनरीज में, तब जाके पेट्रोल और डीजल मिलता है हमें, ठीक है ना। डायरेक्टली फ्रॉम अर्थ हमें पेट्रोल डीजल नहीं मिलता, ठीक है, दैट इज नॉट नेचुरल फ्यूल। गैसियस नेचुरल में नेचुरल गैस, नेचुरल गैस मीथेन, ठीक है ना, ये सब नेचुरल है। मीथेन डायरेक्टली जमीन के अंदर से मिलती है, नेचुरल गैस डायरेक्टली जमीन के अंदर से मिलती है, बात समझ में आ रही है। तो ये सब नेचुरल है, इनको प्राइमरी कहते हैं, ठीक है, बात समझ में आ, प्राइमरी क्योंकि ये पहले हैं, इन्हीं से सेकेंडरी और जो आगे वाले आपको मिलेंगे आर्टिफिशियल फ्यूल वो इन्हीं से आगे बनते हैं, इसलिए उनको भी कहते हैं। तो अलग जो सेकेंड जो क्लासिफिकेशन है बी में, वो है सेकेंड आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल, आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल। इसमें भी वही तीन पार्ट होंगे, सॉलिड लिक्विड एंड गैस, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना है आपको कि आर्टिफिशियल में कौन सा, आर्टिफिशियल सॉलिड में कौन कौन सा आएगा, आपका आएगा कोक, ये हम बनाते हैं, ध्यान रखिएगा कोक, ठीक है, चारकोल, चारकोल ये सब एक्सेप्ट्रा जो हम बनाते हैं, जो हम मैन्युफैक्चर करते हैं। आपने सुना होगा इमली की लकड़ी का कोयला, लकड़ी का कोयला, तो हम उसे बनाते हैं कोयले को, ठीक है ना, लकड़ी से। लिक्विड में, लिक्विड में आपका अब आ जाएगा पेट्रोल डीजल केरोसिन, ठीक है ना, एक्सेप्ट्रा। गैस में अब आप ही एलपीजी आप बनाते हैं, लिक्विफाई आप करते हैं इसको, ठीक है ना, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, गोबर गैस, गोबर गैस, बायोगैस, ये सब आप प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सब आर्टिफिशियल और सेकेंडरी फ्यूल है, ये पहले वाले से ही बनते हैं। पेट्रोल डीजल वो पहले वाले क्रूड ऑयल, वो नेचुरल फ्यूल है, उसी से ये पेट्रोल डीजल बना हुआ था, इसलिए भी इसका नाम सेकेंडरी फ्यूल है। और आर्टिफिशियल मतलब आदमी ने बनाया है इसको अपने काम के लिए, ठीक है, नेचुरली डायरेक्टली ये ज़मीन से हमें नहीं मिलते हैं, बात समझ में आ रही। तो ये क्लासिफिकेशन था आपका, ठीक है, और भी कई सारे होते हैं। एक वेल्डिंग जब आप करेंगे तो उसमें आपको मिलेगा एसिटिलीन, एसिटिलीन, ठीक है ना, तो एसिटिलीन गैस, ये भी फ्लेमेबल होती है, वेल्डिंग में यूज़ होती है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, फ्यूल अपने आप में एक रिसर्च का पूरा सब्जेक्ट है, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब बहुत सारे क्वेश्चंस इसमें बनते हैं छोटे छोटे, बहुत स्कोरिंग चैप्टर है, नंबर बहुत ज़्यादा मिल जाता है इसमें, कुछ आता नहीं है ऐसा, सब कुछ दिमाग से, बहुत ज़्यादा याद भी नहीं करना है, ठीक है, देखते हैं।